दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम HDFC क्रेडिट कार्ड के बारे में। इस वीडियो में बताएंगे किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। पेटीएम एप्लीकेशन को जब आप ओपन करेंगे तो नीचे आपके सामने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन शो होगा। अब देखिए जिस इस पर आप क्लिक करोगे तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया है। आपके सामने जो पेज शो होने वाला है यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल डालनी है। अब इसको अप्लाई करने का प्रोसेस तो बिल्कुल सिंपल है। उस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ डिटेल्स डालनी होती है, बेसिक आधार पैन कार्ड और ये। उसके बाद ऑफर्स आपके सामने आ जाता है। इसमें आपका जो सिविल स्कोर होना चाहिए वो 650 से ऊपर होना चाहिए। 650 से ऊपर अगर आपका सिविल स्कोर है तो इसको अप्लाई कर लीजिए। आप चेक कर सकते हो एलिजिबल। सिंपली फिजिकल KYC अगर आपने सेलेक्ट किया है तो इस तरीके का आपके यहाँ पर दिखाएगा। कार्ड ऑफर राइट हो गया है और वेरिफिकेशन इन प्रोसेस। अब देखिए वेरिफिकेशन मतलब एक एम्प्लॉय आपके पास में आपके बायोमेट्रिक से वो KYC करेगा, आधार और पैन कार्ड लेके ओरिजिनल। उसके 3-4 दिन का ये प्रोसेसिंग टाइम बता रहा है, ठीक है। वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, उसके बाद क्या होगा कि 3-4 दिन में जो भी होगा अप्रूव हमारा लिमिट वो आपको बता देगा। और उसके बाद अगर आपका सक्सेस हो जाता है तो आपके एड्रेस पर ये कार्ड इशू कर दिया जाता है, ठीक है। आपके एड्रेस पर 10-12 दिन के अंदर घर के एड्रेस पर आपके आ जाता है, जो भी आपका पोस्टल एड्रेस आपने आधार के हिसाब से आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और इस रिलेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिए।